देवकृपा हॉस्पिटल संचालक की दबंगई सील की गई। हॉस्पिटल का ताला तोड़कर हॉस्पिटल को फिर से खोला। मामला है मकसूदनगढ़ में चल रही प्राइवेट हॉस्पिटल का। मकसूदनगढ़ में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुकेश शर्मा ने प्राइवेट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, जिसमें एक हॉस्पिटल में तो कोई स्टाफ कोई डॉक्टर नहीं था, जिसे सील कर दिया गया। वहीं देवकृपा हॉस्पिटल का जब मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुकेश शर्मा ने निरीक्षण किया तो देवकृपा हॉस्पिटल में मरीज पाए गए और साथ ही कोई डॉक्टर भी देवकृपा हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करते हुए नहीं मिला। साथ ही जब देवकृपा हॉस्पिटल के दस्तावेज को खंगाला गया तो डॉक्टर मुकेश शर्मा ने बताया कि सारे दस्तावेज फर्जी और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुकेश शर्मा ने देवकृपा हॉस्पिटल को सील कर दिया। साथ ही हॉस्पिटल के शटर गिराकर हॉस्पिटल में ताला लगा दिया। पर लेकिन देवकृपा हॉस्पिटल संचालक ने सील लगे हुए ताले को तोड़कर हॉस्पिटल को सुबह दोबारा खोल दिया। वहीं संबंध में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुकेश शर्मा ने मकसूदनगढ़ पुलिस थाने में एवं मकसूदनगढ़ तहसील में लिखित शिकायत की है और तुरंत देवकृपा हॉस्पिटल पर शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं सील की हुई हॉस्पिटल को सील तोड़कर दोबारा खोलने पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं हम आपको बता दें कि पूर्व में देवकृपा हॉस्पिटल पर एक महिला के परिजनों ने गलत इलाज के कारण महिला का मौत का आरोप लगाया था, जिसका मकसूदनगढ़ तहसील में महिला के परिजनों ने मामला दर्ज किया है और देवकृपा हॉस्पिटल ने साथ काट कर मामले को रफा दफा कर दिया। पर हैरानी की बात तो यह है कि देवकृपा हॉस्पिटल के द्वारा क्षेत्र की जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुकेश शर्मा ने बताया कि देवकृपा हॉस्पिटल के सारे दस्तावेज फर्जी हैं। फिर देवकृपा हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो लोगों को जिंदगी के इलाज के नाम पर खतरे में डाल रहे हैं। जबकि पूर्व में गुना जिले के कई तहसीलों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा झोला छाप डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक हॉस्पिटलों पर लगातार कार्रवाई की गई थी, पर कई बार शिकायत करने के बाद भी मकसूदनगढ़ में चल रही इस प्राइवेट क्लिनिक पर हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका खामियाजा उठाना पड़ता है भोले भाले नागरिकों को, जिनसे देवकृपा जैसे हॉस्पिटल इलाज के नाम पर मोटी मोटी रकम वसूलते हैं। मरीज ठीक हो गया तो ठीक और ठीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हॉस्पिटल का बिल तो मरीज से भरवा ही लेते हैं। साथ ही इन हॉस्पिटल में उल्टा सीधा इलाज कर मरीज की जान को खतरे में डाल देते हैं। राजू चपड़ी ऐसी लगाना दूध ना जाए। नहीं सर, जॉइंट भी लगा दी, गड्ढा लगा के चलो उधर तो निकल ना। एक्चुअली क्या है कि अभी एक तो कोरोना बीमारी फैल रही है, वही अवैध रूप से हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि मरीज को ये लोग मिसगाइड करते हैं और मिसगाइड करके ये बोलते हैं कि आप सरकारी अस्पताल में जाओगे तो वहाँ आपको कोरोना निकाल दिया जाएगा। बेसिकली ये चीज है। दूसरा, इनको कोई अधिकार नहीं हॉस्पिटल चलाने का, यहाँ पे कोई डिग्री डॉक्टर नहीं मिला है ना, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, हॉस्पिटल की कोई अथॉरिटी नहीं है, हॉस्पिटल का कोई लाइसेंस नहीं है, इनको सील करने का वाजिब अपने पास अधिकार है। ये जो आपको दस्तावेज बता रहे थे क्या वो असली नहीं, कोई फर्जी है, सारे फर्जी, कोई दस्तावेज असली नहीं है, बदतमीजी है और उसकी गलत प्रक्रिया है। जब मैंने रात को उसके हॉस्पिटल को सील किया गया था तो उसके पास कोई वैधिक डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उसके पास कोई CMHO का रजिस्ट्रेशन नहीं था, है ना, और उसके बाद कोई वहाँ ड्यूटी डॉक्टर भी नहीं थे जिसके पास डिग्री हो। मैं सील करके आ चुका था, उसके बाद उसने अनैवैधिक तरीके से उसको ताला तोड़ के, सील तोड़ के और उसको दोबारा खोल के चालू की थी, जिसके बाद मैंने दोबारा उसके खिलाफ एक आवेदन दिया, क्योंकि कल का जो मैंने वो किया था उसके पंचनामा और उसकी कार्रवाई के जो भी था वो तहसीलदार साहब को और अपने टी साहब को, बाकी प्रतिलिपि मैंने कलेक्टर महोदय को और CMHO महोदय को SDM महोदय को सबको भेज दी थी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, शायद उनके पास पहुंच नहीं पाई होगी। लेकिन आज मैंने पुनः जब ये सब घटनाक्रम मुझे पता पड़ा तो उसके बाद मैंने इसके खिलाफ FIR के लिए लिखा है, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि शासकीय कार्य में इसने अड़ंगा लगाया है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ हैं, आपके पास वैलिड डॉक्टर्स हैं तो आप अस्पताल खोलिए, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है।
लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है उसके बाद आप हॉस्पिटल चलाना दादागिरी चला रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आप गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसा तो नहीं, ऐसा बिल्कुल ये अन्याय है, गरीब जनता के साथ अन्याय है। तो ऐसा साहब इसमें कोई कौन सी हॉस्पिटल है जिसने ताला ये सब? ये देव कृपा हॉस्पिटल है, ये कोई गुर्जर है जिन्होंने खोल रखी है और ये बहुत गलत कर रहे हैं। सर पूर्व में भी क्या इस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान किसी की मौत हो चुकी है? एक महिला की, बीच समाज की महिला की मृत्यु हुई थी, जिसमें मैंने ही पीएम किया था, उसमें भी मैंने उसमें पीएम में भी कुछ लगा था कि इलाज के दौरान ही मृत्यु हुई है, तो उसको मैंने पीएम रिपोर्ट में उसको दिया था। और अभी शायद अपने जो डीआई साहब हैं उनके पास जाँच के लिए मैटर है, तो वो उनका अधिकार क्षेत्र में है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। तो आज क्या हॉस्पिटल को वापस सील कर दिया? बिल्कुल वापस सील किया है, और जब तक इसके पास कोई कागज नहीं होंगे और जब तक कोई वो नहीं होंगे तब तक इस हॉस्पिटल को नहीं खोलने देंगे।